सकते हैं। हम लोगों में कैसी आदत होती है कि अगर हम 10 रुपया भी चढ़ाएंगे ना तो पहले देख लेंगे दो चार आदमी देख रहे हैं कि नहीं, पहले सबकी तरफ नजर जाएगी, भाई मैं 100 रुपया चढ़ा रहा हूँ कोई देख रहा है कि नहीं। लेकिन राजा हरिश्चंद्र ऐसा दान नहीं करते, दिखावटी दान नहीं करते हैं। उनका जो दान करने का तरीका है वो बहुत ही सुंदर है। किसी संत ने उनको दान करते हुए देखा तो संत ने उनसे पूछा, ऐसी देनी देन जो कित सीखे हो सैन, जो जो कर ऊंचे करो त्यों त्यों नीचे ने। हे राजा हरिश्चंद्र, आप ऐसा देना कहाँ से सीखे हो कि जैसे ही दान करने के लिए आपके हाथ ऊपर उठते हैं वैसे ही आपके नेत्र नीचे हो जाते हैं। राजा हरिश्चंद्र ने बहुत बड़ा बहुत सुंदर जवाब दिया है। कह रहे महाराज मैं आपको क्या बताऊं, ये भी कोई देना है, ये भी कोई दान करना है जो मैं दुनिया को दिखाऊं और नजरें उठाकर कहूं कि मैं दान कर रहा हूं। कह रहे हैं देने हार कोई और है, जो भेजते हैं दिन रे लोगे भरम हमरो करे, तासे नीचे ने। महाराज मुझे दान करते समय लज्जा आती है, शर्म आती है कि दे तो वो ऊपर वाला रहा है और नाम मेरा हो रहा है। तो दान करते समय लज्जा के कारण शर्म के कारण मेरे नेत्र झुक जाते हैं। अरे महाराज जब उसने ना दिया होता तो हम कहाँ से देते। उसने हमें इस काबिल बनाया है कि हम दान कर सकते दे सकते हैं, और जब होता ही नहीं तो देते कहाँ से। मनुष्य को भ्रम हो जाता है कि मैं दे रहा हूँ मैं दान कर रहा हूँ, महाराज तुम दे नहीं रहे हो, वो परम पिता तुमको दे रहा है तब तुम किसी को दे रहे हो, और क्या पता तुम दे रहे हो या पिछले जन्म का चुका रहे हो। हमको तो बार बार उस प्रभु का शुक्रिया करना चाहिए कि भगवान आपने हमको इस काबिल बनाया कि हम कुछ दे सकते हैं कुछ दान कर सकते हैं। वरना कुछ मनुष्यों के पास तो दो वक्त की रोटी खाने के लिए अन्न भी नहीं है, दान कहाँ से करेंगे। फुटपाथ पर पड़े हुए हैं, गर्मी लग रही है सर्दी लग रही है, ऐसे ही अपनी जिंदगी बिता देते हैं। हम तो धन्य हैं कि भगवान ने हम पर इतनी विशेष कृपा की कि भारत वर्ष में जन्म लिया और भारत वर्ष में भी आकर इस ब्रज मंडल में जन्म दिया और ब्रज मंडल में भी आकर हमको श्री वृंदावन धाम के पास ही जन्म दिया, उच्च जाति में जन्म दिया, ये भगवान की विशेष कृपा है। लेकिन ये जात पात ये सब हमने ही बनाई है, भगवान कभी भेदभाव नहीं करते हैं कि ये किस बिरादरी का है किस जाति का है। मैंने कल भी आपको बताया था कि जात पात पूछे ही नहीं, कोई हरि को भजे सो हरि का हो। जो भगवान को भजने लगता है फिर वहां पर जात पात नहीं देखी जाती है।